हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से, और इवनिंग में मैंने स्नैक्स में एक ट्रायल रेसिपी ये ट्राई किया था, और सच में ये ट्रायल रेसिपी बहुत अच्छा बना था। तो पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने बनाया था डोसा बैटर, और एक बार डोसा बैटर बना करके आप अगर रख लो तो उससे आराम से 3-4 वेराइटीज़ आप बना सकते हैं। तो आज मैंने बनाया मिनी पिज़्ज़ाज, और रियली ये बहुत अच्छा बन के निकला था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये एक हेल्दी वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा भी बोल सकती हूँ मैं। तो एकदम सिंपल वे में मैंने बनाया। ये जो अप्पम वाला जो पैन होता है, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया सारे में। आप चाहें तो घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं, तो आपको एकदम अच्छा सा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर भी आएगा। तो बस उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाल दिया, और बैटर को एकदम ऊपर तक नहीं फिल करना है कि वेजिटेबल्स डालेंगे, चीज़ वगैरह डालेंगे, चीज़ मेल्ट होगा तो वो बाहर की तरफ आएगा। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाला इसके ऊपर, और वेजिटेबल्स एकदम छोटे छोटे चॉप करके डाले, क्योंकि ये एकदम मिनी पिज़्ज़ा है ना, तो हर बाइट में सारे वेजिटेबल्स आने हैं। तो इसलिए ज़्यादा वेजिटेबल्स तो नहीं थे मेरे पास, मेरे पास था कैप्सिकम, टोमेटोज और ऑनियन। तो ऑनियन एक्चुअली इसी बैटर में मैंने पहले ही मिक्स करके रख दिया था, क्योंकि मैं दूसरे वेराइटी का डोसा बनाने वाली थी। तो मैंने ऑनियन जब मिक्स कर दिया, तब मुझे याद आया कि मैं इसका पिज़्ज़ा डोसा बना सकती हूँ। आप ऑनियंस ऊपर से डालिएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर पनीर हो तो पनीर भी डाल सकते हैं, बॉयल्ड कॉर्न्स हो तो कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस शिमला मिर्च और टमाटर कट करके डाल दिया, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑलिव्स। और ऑलिव से पता ही है कि बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं देख करके, उनको पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आ जाती है। ऑलिव्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाला, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने मिक्स हर्ब, जो इटालियन सीज़निंग होती है, वो भी मैंने डाला, उससे पिज़्ज़ा वाली फीलिंग और ज़्यादा आएगी। इसके बाद मैंने इसको ढक करके और लो फ्लेम पे कुक किया। इसको एकदम लो फ्लेम पे कुक करने से अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगा, और फिर से इसको हम पलट के नहीं पकाएंगे, तो इसलिए टाइम दे करके इसको पकाना है। और निकालने से पहले एक बार किसी टूथपिक से या किसी फोक से देख लीजिएगा अंदर डाल करके कि वो अंदर से अच्छे से कुक हो गया है कि नहीं। आपको इसको एक बार कुक करने में 10 से 15 मिनट लग जाता है एकदम लो फ्लेम पे, तो उसी हिसाब से टाइम देख करके आप इसको कुक करिएगा। और उसके बाद बहुत यमी यमी पिज़्ज़ा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर से करिएगा, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। तो ये है दूसरे इवनिंग का। तो इवनिंग में इस टाइम पे मैं जाती हूँ पार्क, वहाँ पे आरव स्केटिंग सीखते हैं, तो मैं साथ में वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभी बैठना भी पड़ता है, क्योंकि स्केटिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो लोग गिरते रहते हैं, फिर से उनको मोटिवेट करते रहना पड़ता है। तो अगर कभी हो पाता है तो मैं वॉक कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बैठी रहती हूँ। और ये जो वॉच मैंने पहना है, ये वॉच मेरे पास है नियरली फ्रॉम 3 ईयर्स, बट मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, और मतलब ऐसे ही बाहर गए बस पहन लिए, कभी मैंने उसको चेक नहीं किया। बट आजकल मैं इस वॉच को पहन रही हूँ और चेक करने के लिए कि पूरे दिन में मैंने कितने स्टेप्स चले हैं, और ये काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं कुछ टाइम से इसको पहन रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और जब मैंने शुरू में वॉकिंग शुरू किया था तो मैं 3000 स्टेप्स चलती थी वहाँ पे, और अभी धीरे धीरे वो 5 तक पहुँच गया है, और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 7 तक पहुँचा दूँ। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं वॉक करने जाऊँ तो मैं 7000 स्टेप्स वहाँ पर कम्प्लीट कर लूँ, और बाकी 1-2000 ऐसे ही घर में ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो मेरी हाउस हेल्प आई हुई है, और मुझे भी टाइम है जाने में। तो मेरा ये जो किचन में राइट साइड वाला जो काउंटर टॉप होता है, वो बहुत कम क्लीन होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे किचन के यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, फोक, स्पैचुलास, मिक्सी वगैरह होता है। तो वो वीकली वंस या 2 वीक में एक बार, मतलब जब मैं उसको निकालती हूँ ऑब्वियसली तभी वो लोग क्लीन करेंगे। तो मैंने सोचा आज तो टाइम है, तो मैंने सारा वहाँ पे खाली कर दिया। खाली करके रखो तो वो लोग साफ़ कर देंगे, लेकिन अगर उन लोग को पूरा हटा हटा के साफ़ करना हो तो दे वॉन्ट डू दैट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा इसको खाली कर दिया, खाली करके मैंने छोड़ दिया, देन शी क्लीन दैट, और आने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे सब कुछ सेट कर दूँगी। तो जाने से पहले मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, मशीन ऑन करके, और मैं चली जाऊँगी, और जब मैं आऊँगी तब कपड़े धुल गए रहेंगे और मैं उनको सुखा दूँगी। और जो भी सॉक्स होते हैं स्कूल वाले या स्पोर्ट्स वाले, वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको मैं एक बार सोप लगा करके थोड़ा सा रब करके फिर मैं मशीन में डालती हूँ, तब वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी हम लोग स्केटिंग से आ गए हैं, और इस टाइम पे आने के बाद हम सब लोग नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत स्वेटिंग हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से मैं स्केटिंग शूज़ जो है उसको मैं क्लीन करने को सोच रही थी, और वैसे भी वो गंदे हो ही जाएंगे, बट सोचा मैंने एक बार क्लीन कर देती हूँ, उसके व्हील्स वगैरह थोड़े से साफ़ लगेंगे। तो अभी मैं वही क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ डिनर प्रिपरेशन के लिए।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ डिनर प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पे एकदम क्विक सी रेसिपी, झटपट वाली रेसिपी मैं बना रही हूँ। ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और नाइट में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लंच में और मॉर्निंग में पराठा रोटी वही सब होता है, तो नाइट में मैक्सिमम मैं चावल बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेनली ये है कि अगर कोई पुलाव टाइप की रेसिपी होती है तो रात में सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक मटर पुलाव, और बहुत टेस्टी सी रेसिपी है ये। जब भी पालक का प्यूरे बच जाए या एक्स्ट्रा पालक बच जाए तो आप ऐसी रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे प्याज मैंने स्लिट करके रख लिया है, और आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ गार्लिक डालूंगी क्योंकि पालक के साथ गार्लिक जो कटे हुए होते हैं जिनको फ्राई करते हैं हम तड़के में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गार्लिक को कट करके डालूंगी। उसी के साथ में थोड़ा सा जिंजर भी कट करके डाल दूंगी। तो यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसी के साथ थोड़ा सा तेल डाला है मैंने। उसके बाद ये खड़े मसाले, और मसाले वगैरह बहुत लाइट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जीरा, जब जीरा क्रैकल होना शुरू हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे अदरक और लहसुन कटे हुए, और इनको थोड़ी देर के लिए भूनना है जब तक कि लहसुन जो है वो थोड़ी सी गोल्डन कलर के ना हो जाए। उसके बाद इसमें प्याज डाल करके इसको अच्छे से भून लेना है। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश पीस, और फ्रेश पीस डाल करके थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी। जब मटर के ऊपर हल्का हल्का रंग बदल जाता है तब तक इसको भूनना है। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पालक का प्यूरे। तो ये जो प्यूरे है ये मैंने पालक को ब्लांच करके बनाया है, मतलब पालक थोड़ा सा कुक हो चुका है पहले से, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे इसको एक बार मिक्स करके कुछ मसाले डालूंगी। अगर आपके पास पहले से प्यूरी नहीं है तो आप पालक को तुरंत पीस करके भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर और आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको भूनिएगा ताकि उसका कच्चापन चला जाए। तो मेरा पालक पहले से थोड़ा सा पका हुआ है तो मैं इसमें डायरेक्टली कुछ मसाले डाल दूंगी। तो मसालों में कुछ खास नहीं, यहाँ पे मैंने एक टमाटर डाला है, टमाटर अच्छा लगता है, हल्का सा खट्टापन देता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और एकदम थोड़ी सी चीनी, दो चुटकी के बराबर। तो इन सबको डालने के बाद हल्के से थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि सब थोड़े से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एकदम थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखा भी ये कम होता है, और ग्रीन चिली वगैरह भी मैं नहीं डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी भीगे हुए चावल। तो चावल को भिगो करके ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलाव जब भी बनाए तो चावल को डायरेक्टली धो करके भी डाल सकते हैं, उससे चावल थोड़े से और खिले खिले रहते हैं। चावल को इसमें डाल करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें पानी डाल करके नमक एक बार चेक करके और कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी मैं। ये एकदम सिंपल सी अच्छी सी रेसिपी है लंच बॉक्स में देने के लिए मेनली, और लंच के टाइम पे भी खाने के लिए, और इसके साथ आप रायता बना करके भी खा सकते हैं, या आप जो मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में ग्रेवी बनाया था आप उसके साथ खा सकते हैं। तो मेरे पास वो ग्रेवी अभी बची है तो हमारा डिनर उस ग्रेवी के साथ ही होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि इवनिंग से शुरू हुआ, और आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय, टेक केयर।